आज मैं आपको डार्क वेब की ऐसी स्टोरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या इंटरनेट पर ऐसी भी चीज़ें मौजूद हैं? अब दोस्तों कौन कौन सी हैं सारी स्टोरीज, आइए जानते हैं एक करके। दोस्तों पहली हमारी स्टोरी है डेरियस लड़के के बारे में। अब दोस्तों डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक ब्राउज़र का ज़रूरत होता है, वो दोस्तों एक अलग ही ब्राउज़र होता है। अब मैं आपको उस ब्राउज़र के बारे में नहीं बताने वाला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप डार्क वेब पर बिल्कुल ही जाओ और बिल्कुल भी उसके बारे में आप किसी भी ब्राउज़र में सर्च करो। दोस्तों मैं तो ब्राउज़र का नाम बिल्कुल ही नहीं बताने वाला। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बिल्कुल भी मत जाना डार्क वेब पर। आप पहले इन स्टोरीज को सुन लो और फिर डिसाइड करना कि डार्क वेब कैसी जगह है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं। तो इस स्टोरी के स्टोरी टाइटल ने मतलब कि डेरियस ने उस ब्राउज़र को डाउनलोड किया। दोस्तों ये वाला ब्राउज़र आपकी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी रिवील नहीं होने देता, मतलब कि ये वाला ब्राउज़र आपकी आइडेंटिटी को बिल्कुल छुपाए रखता है, किसी को पता नहीं लगने देता। और अपनी प्राइवेसी को डबल श्योर करने के लिए डेरियस ने VPN में लगा लिया था, उसको एक्टिवेट कर लिया था। अब दोस्तों डेरियस डार्क वेब को विजिट करने लगा। वहाँ पर वो जैसे ही डार्क वेब पर आया तो उसे बहुत अलग अलग तरह की बहुत ही वियर्ड सी वेबसाइट मिली। वहाँ पर ड्रग्स सेल हो रहे हैं, वेपन और काफ़ी सारी इलीगल चीज़ें वहाँ पर सेल हो रही हैं। डगलस इन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। ब्राउजिंग करते करते डेरियस को एक लिंक दिखती है, वॉन्ट नॉट सरप्राइज क्लिक ऑन दिस लिंक। इसके बाद डेरियस उस लिंक पर क्लिक कर देता है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक वीडियो लाइव स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं के नीचे एक चैट बॉक्स होता है, वहाँ पर एडमिन लिखता है लेट्स द गेम बिगिन। इसके बाद एक अंधेरे कमरे में एक आदमी को लड़की को घसीटते हुए लाता है और एक चेयर पर ला के बैठा देता है। सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि वो जो लाइव स्ट्रीम थी वो उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए की जा रही थी। उस वीडियो के जो व्यूवर हैं वो उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए बिटकॉइन में पैसे दे रहे हैं, उसको अपने हिसाब से टॉर्चर करवाने के लिए बिटकॉइन में पैसे दे रहे हैं। ये सब देखने के बाद में डेरियस बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे क्लोज करने लगता है, लेकिन वो क्लोज ही नहीं होता। और उसके बाद में उसे एक पॉपअप मैसेज आता है, लीविंग सो सून डेरियस। ये सब देखने के बाद में डेरियस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डार्क वेब एक्सेस करने वाला जो ब्राउज़र होता है वो दोस्तों आपकी आइडेंटिटी को रिवील होने नहीं देता, किसी को पता नहीं लगने देता। और दोस्तों अपनी इस प्राइवेसी को डबल शोर होने के लिए उसने VPN भी लगाया था, लेकिन एडमिन को फिर भी उसका नाम का सब कुछ कैसे पता चल गया। इन सब के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसको क्लोज करने की कोशिश करता है। तभी एक और मैसेज आता है एडमिन का कि अगर उसने दोबारा इसको क्लोज करने की कोशिश की तो इस लड़की की जगह पर तुम होगे डेरियस। और यहाँ तक कि वो एडमिन डेरियस का एड्रेस भी लिख देता है, जिसे देखने के बाद डेरियस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसको क्लोज कर देता है। इन सब के कुछ दिन बाद डेरियस को पता चलता है कि उसका फ़ोन हैक हो चुका है और हैकर ने उसके कैमरे को भी हैक कर लिया है और उसके काफ़ी सारे पिक्चर्स को उसने क्लिक कर लिया है कैमरे से। और सबसे ज़्यादा स्कैरी बात यह है कि एक दिन वो अपने घर आता है और वहाँ पर देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। इन सब के बाद उसे शक होने लगता है कि हैकर्स उसके घर में पहुंच गए शायद। फिर वो अपने रूम में जाता है, वहाँ पर दोस्तों उसे एक नोट मिलता है, उस नोट में लिखा रहता है थॉट वी डोंट फाइंड यू। अब दोस्तों तब से डेरियस का आज तक कोई पता नहीं चल पाया और उस रेडिट पोस्ट को अभी भी अपडेट नहीं किया गया है। ये दोस्तों डार्क वेब की सबसे ज़्यादा डरावनी स्टोरी उसमें से एक है। दोस्तों ये थी डार्क वेब की स्टोरीज, होप कि आपको ये स्टोरीज पसंद आई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि डार्क वेब पर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। सो गाइस प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी मत जाना। सो गाइस यही था आज का वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में उस बेल आइकॉन जरूर से ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे आपको ऐसी और भी मज़ेदार दोस्तों वीडियोज़ मिलती रहें।